और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अलीपुर हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 4 मजदूरों की मौत की खबर है, 6 घायल। निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से जो बड़ा हादसा हुआ है, अवैध निर्माण की लोगों ने पहले ही शिकायत की थी, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। तो राहत और बचाव कार्य जारी है। 5000 गज के प्लॉट पर ये गोदाम बन रहा था। तो फिलहाल बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर ये आ रहा है कि कई मजदूरों की मौत होने की यहाँ पर खबर आ रही है। 4 मजदूर बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है, 6 घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और अभी भी ये खबर है कि कई मजदूरों के दबे होने की यहाँ पर आशंका लगाई जा रही है, जिन्हें निकालने का कार्य लगातार जारी है। दिल्ली के अलीपुर से बड़ी खबर, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई है, 6 मजदूर जो बताए जा रहे हैं घायल हुए हैं निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से, ये बड़ा हादसा। तो ये बताया जा रहा है कि पहले भी शिकायत की जा चुकी थी इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। बता दें आपको, 5000 गज के प्लॉट पर गोदाम बना था और ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अलीपुर हादसे को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 4 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। इस पूरे हादसे में अब तक 4 मजदूरों की जान जा चुकी है, 6 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो निर्माणाधीन गोदाम की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बचाव कार्य चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस अवैध निर्माण को लेकर पहले ही शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता राजू राज को ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, एक खबर आ रही है कि 4 मजदूरों की जान चली गई है। देखिए, 12:45 पे यह हादसा हुआ। एक 5000 स्क्वायर फीट का एक फैक्ट्री में के बाहर जो दीवार बनाई जा रही थी, 4 दीवारी बनाई जा रही थी, और वो दीवार गिर गई, जिसमें से जो मजदूर काम कर रहे थे वो इसमें दब गए। जो शुरुआती जानकारी है, उसमें 10 से 15 लोग वहां पर काम कर रहे थे जो इस हादसे में दब गए, जिसमें से कुछ लोगों को भी रेस्क्यू कराया गया है, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया। जो जानकारी मिली है, ताजा जानकारी, उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि अवैध निर्माण यहाँ पर चल रहा था और इसकी शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब इतनी जो मौतें हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन? अब देखिए, निश्चित तौर पर अभी हादसा हुआ है और पहली प्राथमिकता जो एजेंसियां हैं वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, जिसके बाद निश्चित तौर पर पूरे मामले की इंक्वायरी की जाएगी कि क्या जो दीवार बनाई जा रही थी उसमें हल्का मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर जो फैक्ट्री मालिक है वो इसकी इजाजत दी थी या नहीं, तमाम चीजों की जांच की जाएगी। बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन बड़ा सवाल अभी है कि जो लोग दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस निकाला जाए, अस्पताल में भेजा जाए, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और इस हादसे में जो अभी जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। अब देखना होगा कि और अभी कितने लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी फायर डिपार्टमेंट के हिसाब से मिली है उसके मुताबिक 10 से 15 लोग की दबे होने की संभावना थी, जिसमें से 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यानी अभी भी जो कई लोग दबे हुए हैं उन्हें निकालने का कार्य लगातार जारी है। राजू, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा? क्योंकि ये खबर आ रही थी कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, स्थानीय भी लगे हुए हैं, मजदूर भी लगे हुए हैं, क्या कोई अधिकारी पहुंचा है? दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जैसे ही सूचना मिली पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच गए। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, जो गाजियाबाद से टीम पहुंची है। इसके अलावा कैश एम्बुलेंस और दमकल विभाग के तमाम जो कर्मी वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है ताकि ये भी देखा जाए कि कोई लोग दबा ना रहे, इसीलिए अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। बिल्कुल, क्या लगता है राजू, और कितना वक्त लग सकता है मजदूरों को निकालने में? देखिए, ये दीवार गिरी है और फैक्ट्री के बाहर जो चहर दीवारी बनाई जा रही थी वो दीवार गिरी है, और देखना होगा कि अभी जो जानकारी शुरुआती जानकारी मिली 10 से 15 लोगों की, जिसमें से 10 लोगों के बारे में अभी सूचना मिली है, और अगर कुछ और लोग हैं जिनके परिजन वहां पर लोगों को ढूंढ रहे हैं।